हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, जय स्वामीनारायण ऑल ऑफ यू. वेलकम टू क्लास फर्स्ट इन आर बेग्रीन स्कूल. माय नेम इज प्राजक्ता एंड आई एम योर कंप्यूटर टीचर. सो नाउ लेट्स विल स्टार्ट लेसन नंबर 4, नो यूअर कीबोर्ड्स. बट बिफोर स्टार्टिंग अवर टूडेज टॉपिक, फर्स्ट वी विल सी वॉट यू हैड लर्न अवर लास्ट क्लासेस. सो नाउ ऑल ऑफ यू लुक एट इन योर टेक्स्ट बुक. Now all of you look at in your textbook page number 33, lesson number 4, know your keyboard. So now let's first we will see what you had learned in this lesson, our last class. Then after we will start our today's topic. So what you had learned in this lesson, now look at here. A pencil or a pen. Pencil or pen is needed to write in a notebook. We need pencil or pen for writing in the notebook. Notebook में लिखने के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है? Pencil or pen. But we cannot use a pencil or a pen for writing on a computer. But we cannot use pencil or pen for writing on a computer. लेकिन जब हम computer के अंदर लिखते हैं तब हमें पेंसिल और पेन की ज़रूरत पड़ती है क्या? नहीं, हम पेंसिल और पेन को यूज़ करके कंप्यूटर में लिख सकते हैं क्या? नहीं हो सकती. फॉर दैट वी नीड अ कीबोर्ड. उसके लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है? कीबोर्ड की ज़रूरत पड़ती है. दिस इज द कीबोर्ड. जैसे हमें बुक में लिखना है, सपोज ये बुक है, उसमें मुझे लिखना है, सपोज मुझे ये वर्ड लिखना है कीबोर्ड, तो मैंने क्या यूज़ किया है? पेंसिल यूज़ किया है. लेकिन अगर यही वर्ड मुझे कंप्यूटर के अंदर लिखना है तो मुझे क्या यूज़ करना पड़ेगा? कीबोर्ड यूज़ करना पड़ेगा. कीबोर्ड में से जो अल्फ़ाबेट की होती है उसको यूज़ करके हम वर्ड लिख सकते हैं. ठीक है, कीबोर्ड ऑन द कीज़, ऑन द कीबोर्ड. कीबोर्ड में कौन सी की रहती है? वी कैन टाइप बाय प्रेस कीज़ ऑन द कीबोर्ड ऑफ अ कंप्यूटर. We can type by press keys on the keyboard of a computer. हम जो हमारी कीबोर्ड होती है उसकी जो कीज़ होते हैं, ये जो आपको बटन्स दिख रहे स्मॉल स्मॉल, उसको हम बोलते हैं कीज़. उस कीज़ को यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं? कुछ भी टाइप कर सकते हैं ऑफ अ कंप्यूटर. कंप्यूटर में अगर हमें कुछ लिखना है तो हम क्या करते हैं? ये जो कीज़ है, जो कीज़ है उसको यूज़ करके हम कंप्यूटर के अंदर कुछ भी टाइप कर सकते हैं. देन आफ्टर वी हैड लर्न द अल्फ़ाबेट की. सो विच इज द अल्फ़ाबेट की? लुक एट हियर, फ्रॉम ए टू जेड. ए से लेकर जेड तक क्या है रहती है हमारी कीबोर्ड में? अल्फ़ाबेट की रहती. हाउ मेनी अल्फ़ाबेट की? 26. हमारे जो अल्फ़ाबेट लेटर्स होते हैं वो कितने होते हैं? 26. सो हमारे कीबोर्ड में भी कितने अल्फ़ाबेट की है? 26. द अल्फ़ाबेट कीज आर यूज फॉर टाइपिंग वर्ड्स. अगर हमें कुछ वर्ड्स एंड सेंटेंस, कुछ वर्ड्स और सेंटेंस लिखना है तो हम क्या करते हैं? अल्फ़ाबेट की का यूज़ करते हैं. आपको लास्ट पीरियड में मैंने बताया था कि कैसे हमने अल्फ़ाबेट की को यूज़ करके टाइप किया था. लुक एट द फिगर गिवन बिलो, ओनली द अल्फ़ाबेट कीज आर कलर. देखो यहाँ पे कीबोर्ड दिया है और उस कीबोर्ड में आपको जो कलर बटन्स दिख रही है वो कौन सी है? अल्फ़ाबेट कलर्स हैं. नाउ लुक एट हियर, दिस देयर आल्सो हैव वन कीबोर्ड. यहाँ पे भी एक कीबोर्ड है तो आपको दिख रहे हैं. ए से लेकर ए है, बी सी डी ई, देन एफ जी, एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्लू एक्स देन वाई एंड जेड. यहाँ पे आपको सभी अल्फ़ाबेट की दिख रही है. ये हमारे किस में रहती है? हमारे कंप्यूटर में जो कीबोर्ड होता है उसके अंदर रहती है अल्फ़ाबेट की. उसको यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं? सेंटेंस लिख सकते हैं, कुछ वर्ड लिख सकते हैं. सपोज फॉर एग्जांपल यू वांट टू राइट यूअर नेम,
सो विच की यूज अल्फाबेट क्यू। जब अगर हमें अपना नाम लिखना है तो हम क्या करेंगे, अल्फ़ाबेट की को यूज़ करके हमारा नाम हम टाइप कर सकते हैं। सो दिस इज द अल्फ़ाबेट की। देन टुडेज अवर नेक्स्ट की इज द नंबर्स की। द नंबर्स कीज आर यूज फॉर टाइपिंग नंबर्स। दीज की आर ऑल्सो नोन एज अ न्यूमेरिक की। जो हमारे नंबर्स की होते हैं उसको हम बोलते हैं न्यूमेरिक्स की भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, न्यूमेरिक्स की। सो व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ नंबर कीज, लुक एट हियर, एन यू एम बी ई आर, नंबर के ई वाई एस, कीज, नंबर कीज। नंबर्स की को यूज करके हम क्या कर सकते हैं, कुछ भी नंबर टाइप कर सकते हैं। द नंबर्स कीज आर यूज फॉर टाइपिंग नंबर्स। नंबर्स की का यूज किसके लिए करते हैं, नंबर टाइप करने के लिए। दीज कीज आर ऑल्सो नोन एज न्यूमेरिक्स की। जो हमारे नंबर्स की होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, न्यूमेरिक की भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, न्यूमेरिक की। व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ न्यूमेरिक की, लुक एट हियर, एन यू एम ई आर आई सी, अगेन वन टाइम, एन यू एम ई आर आई सी, न्यूमेरिक्स कीज का स्पेलिंग के ई वाई एस, कीज, न्यूमेरिक कीज। देखो यहाँ पे एस लगा है क्योंकि हमारे न्यूमेरिक्स की कितनी होती है, जीरो से लेकर नाइन तक। जीरो से लेकर नाइन तक कितनी न्यूमेरिक्स की होती है हमारे कीबोर्ड में, टेन। कैसे टेन, लुक एट हियर, जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन, ये कितने हो गए, काउंट करो, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन। हमारी न्यूमेरिक की कितने होते हैं हमारे कीबोर्ड में, टेन, कहाँ से लेकर, जीरो से लेकर नाइन तक। सो नाउ लुक एट हियर, देयर हैव वन कीबोर्ड, ये कीबोर्ड है। तो आपको यहाँ पे न्यूमेरिक की दिख रहे हैं, कहाँ से लेकर है, जीरो से लेकर नाइन तक है। देखो जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन, ये कितनी होती है, टोटल टेन होती है। और न्यूमेरिक की का यूज़ किसके लिए करते हैं, अगर हमें कुछ नंबर टाइप करना है, फॉर एग्जांपल यू वांट टू टाइप यूअर रोल नंबर, फोन नंबर्स, अगेन डेट ऑफ बर्थ, अगर हमें ये कुछ टाइप करना है तो हम क्या करते हैं, न्यूमेरिक की का यूज़ करते हैं, नंबर्स की का यूज़ करते हैं। तो हमारी जो न्यूमेरिक की होती है, न्यूमेरिक की होती है हमारे कीबोर्ड में टू प्लेस पे होती है। कितने प्लेस पे होती है, टू प्लेस पे। एक तो ये आपको ये अल्फ़ाबेट की दिख रही है, एक तो एक अल्फ़ाबेट की के ऊपर होती है एंड सेकंड अल्फ़ाबेट की के राइट साइड पे होती है। कहाँ होती है, राइट साइड पे होती है। सो हमारी जो न्यूमेरिक की है वो कितने प्लेस पे है, टू प्लेस पे। एक अल्फ़ाबेट की के ऊपर है और दूसरी हमारे राइट साइड पे है, हमारे अल्फ़ाबेट की के राइट साइड पे है। दोनों की का यूज सेम ही है, ठीक है। हम इसको भी यूज़ कर सकते हैं, इसको भी यूज़ कर सकते हैं, हम दोनों की को यूज़ कर सकते हैं। अभी हम इसको कैसे दबाएंगे और कैसे नंबर टाइप करेंगे, नाउ लुक एट हियर। देखो अगर मुझे क्या करना है, नंबर टाइप करना है, मोबाइल नंबर टाइप करना है, तो मैं क्या करूँगी, लुक एट हियर, मुझे नंबर टाइप करना है मोबाइल नंबर, तो मैं क्या करूँगी, देखो नाइन एट देन सिक्स जीरो डबल फाइव नाइन फाइव वन टू। ये देखो मैंने क्या किया है, मेरा जो मोबाइल नंबर है मैंने टाइप किया है, तो
उसके लिए मैंने कौन सी की यूज़ की है, जो हमारी नंबर्स की है, न्यूमरिक की है, उसको यूज़ किया है। अभी मैंने आपको जो अल्फ़ाबेट की के ऊपर है उसको क्लिक करके दिखाया, अभी ये वाली इस साइड पे जो है उसको यूज़ करेंगे, उसका भी यूज़ सेम ही। ठीक है, अभी हम नीचे जाएंगे, अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, 01 2 3 4 9 से टाइप करेंगे। देखो सबसे पहले 0 दबाया तो 0 आ गया, देन 1 2 3 देन 4 5 6 7 8 9। देखो मैंने इसको दबा के क्या किया है, नंबर की को दबा के हमने क्या किया है, यहाँ पे नंबर टाइप किया है। सो दिस इज द यूज ऑफ नंबर की। नाउ ऑल ऑफ यू लुक एट पेज नंबर 35। लुक एट द फिगर्स बिलो, देयर आर टू सेट ऑफ न्यूमरिक की। देखो यहाँ पे दिख रहे रेड कलर में किया हुआ है, टू जगह पे न्यूमरिक की है, नंबर की है। ओनली द नंबर कीज आर कलर, यहाँ पे देखो जो नंबर की है उसको ही कलर किया हुआ है। हमारी नंबर्स की कितनी होती है, 10, 0 से लेकर 9 तक। देन नाउ लुक एट यर कलर द कीज इन ग्रीन दैट फॉर्म द न्यूमरिक 1, 8, 2 इन बोथ साइड बोथ द सेट ऑफ नंबर कीज। हमें ये जो नंबर है 182, ये जो हमारे की पैड से की है, की पैड्स में से एक दोनों जगह पे हमारे 182 नंबर को कलर करना है। कौन सा कलर करना है, ग्रीन कलर करना है। सो हमने ये ऑलरेडी किया हुआ है, जिसने नहीं किया है वो कर लो। सो फर्स्ट नंबर है 1, तो 1 नंबर को यहाँ ग्रीन कलर करेंगे। देन 8 कहाँ पे है, यहाँ पे 8 है तो 8 को ग्रीन कलर करेंगे। देन 2 नंबर को भी हम ग्रीन कलर करेंगे। ये हो गया वन साइड। नाउ सेकंड साइड, ये है सेकंड साइड है। अगर यहाँ पे हमें ग्रीन कलर करना है कौन से नंबर को, 182। सो यहाँ पे 1 नंबर है, देन 8 2, ये जो 3 बटन है उसको कौन सा कलर करना था, ग्रीन कलर करना था। दिस ऑलरेडी वी हैड डन, विच एवर द स्टूडेंट इज नॉट डन दे हैव डू देयर। ओके नाउ दिस इज नंबर की। आई होप ऑल ऑफ यू नाइसली अंडरस्टूड अबाउट द नंबर की। नाउ नेक्स्ट की इज द स्पेस बार। द लॉन्गेस्ट की ऑन द कीबोर्ड इज कॉल्ड स्पेस बार। जो हमारी कीबोर्ड होता है उसमें सबसे बड़ी बटन जो होती है उसको हम बोलते हैं स्पेस बार। विच इज द बटन, स्पेस बार। व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ स्पेस बार, एस पी ए सी ई बी ए आर, स्पेस बार। स्पेस बार बटन की स्पेलिंग क्या है, अगेन वन टाइम, एस पी ए सी ई स्पेस बी ए आर बार, स्पेस बार। स्पेस बार की हमारी जो कीबोर्ड होती है, कीबोर्ड में से सबसे लॉन्गेस्ट बटन होती है, सबसे बड़ी बटन्स होती है कौन सी, स्पेस बार। जो बटन्स होती है वो सबसे बड़ी होती है। नाउ लुक एट हियर, ये है आपका कीबोर्ड से, तो कीबोर्ड में से ये जो हमारी लॉन्गेस्ट बटन दिख रही है, अल्फ़ाबेट कीज है, अल्फ़ाबेट की के नीचे आपको ये लॉन्गेस्ट बटन दिख रहे है, उसका बोलते हैं हम स्पेस बार की, उसको हम बोलते हैं स्पेस बार की। नाउ व्हाट इज द यूज ऑफ स्पेस बार की। नाउ लुक एट पेज नंबर 36। 36 पे देखो जो हमारी स्पेस बार की है उसका यूज़ क्या है। द स्पेस बार की इज यूज टू इंसर्ट ब्लैंक स्पेस बिटवीन टू वर्ड्स और लेटर्स। अगर हमें टू वर्ड्स और टू सेंटेंस के बीच में क्या करना है, स्पेस देना है, जगह छोड़नी है, तो हम क्या करते हैं, स्पेस बार की का यूज करते हैं। फॉर लुक एट हियर, यहाँ पे क्या लिखा है, द के बाद यहाँ पे जगह छोड़ के स्पेस बार लिखा है। स्पेस बार के बाद
और जगह छोड़ के की लिखा है, की के बाद और जगह छोड़ के इज लिखा है, तो जो एक एक वर्ड है उसके बाद में क्या लगा है, जगह छोड़ी है, तो वही जगह छोड़ने के लिए हम क्या करते हैं, स्पेस बार की का यूज़ करते हैं। सो नाउ लुक एट हियर, अभी हम स्पेस बार की का यूज़ करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम लिखेंगे द, लिखना है हमें तो, ठीक है, टी एच ई द लिख दिया है। अभी मुझे क्या करना है, स्पेस देना है, द के बाद हमें लिखना है स्पेस बार। स्पेस बार लिखने के लिए हमें द और स्पेस के बीच में जगह छोड़नी है, तो मैं क्या करूँगी, वन टाइम ये स्पेस बार की को दबाऊँगी। लुक एट हियर, देखो जो हमारा जो एरो है यहाँ से यहाँ चला गया है, मतलब ये स्पेस छूट गई। अभी हम लिखेंगे स्पेस बार, एस, स्पेस बार का स्पेलिंग एस पी ए सी ई बी ए आर। देखो स्पेस बार का स्पेलिंग लिखा है, फिर उसके बाद और जगह छोड़नी है, स्पेस बार के बाद हमें लिखना है की जगह छोड़नी, तो हम फिर से क्या करेंगे, स्पेस बार बटन को दबाएंगे। देखो मैंने बटन दबाई, यहाँ फिर से स्पेस छूट गई, उसके बाद हम लिखेंगे की, के ई वाई की लिख दिया है। उसके बाद फिर से हमें स्पेस देनी है, इज लिखना है, तो हमें फिर से स्पेस देनी है, तो मैं फिर से क्या करूँगी, ये स्पेस बार बटन को दबाऊँगी। जैसे मैंने बटन दबाई तो देखो ये एरो यहाँ से यहाँ चला गया। अभी हमें क्या लिखना है, इज आई एस इज लिख दिया है। इसके बाद हमें लिखना है यूज, तो हमें फिर से स्पेस देनी है, तो हम क्या करेंगे, स्पेस बार की को दबाएंगे फिर से। लुक एट हियर, देखो वन टाइम मैंने दबाए तो यहाँ पे जगह छूट गई। उसके बाद लिखना है हमें यूज, यू एस ई डी यूज, देखो यूज लिखा है। अभी फिर से हमें यूज के बाद लिखना है टू, तो मुझे जगह छोड़नी है, तो मैं क्या करूँगी, फिर से स्पेस बार दबाऊँगी। देखो स्पेस बार दबाई है, उसके बाद टी ओ टू, टू के बाद मुझे लिखना है इंसर्ट, फिर से मैं क्या करूँगी, स्पेस बार दबाऊँगी, तो देखो एरो वहाँ चला गया। अभी मैं क्या करूँगी, इंसर्ट लिखूँगी, आई एन एस ई आर टी इंसर्ट लिख दिया, इंसर्ट। तो ऐसे अगर हमें वर्ड के बीच में क्या करना है, स्पेस छोड़नी है, तो हम क्या करते हैं, जो हमारी स्पेस बार बटन है उसको दबा के हम क्या करते हैं, दो वर्ड के बीच में हम स्पेस देते हैं। जैसे हम नोटबुक में लिखते समय कैसे करते हैं, अगर अगर आप कुछ लिख रहे हैं, जैसे आप लिख रहे हैं आई एम बॉय, देखो जब मैंने लिखा है आई एम बॉय, तो मैंने आई के बाद स्पेस छोड़ के एम लिखा है, एम के बाद स्पेस छोड़ के बॉय लिखा है, तो हम क्या करते हैं, थोड़ी थोड़ी जगह छोड़ते हैं, क्योंकि हमें जो सेंटेंस है उसके बीच में गैप दिखने चाहिए। अगर हम ऐसे लिखेंगे तो आई एम बॉय, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि ये वर्ड ही अलग हो जाएगा। ये क्या है, सही है। जब हमें क्या करना है, इसके बीच में स्पेस देनी है, जैसे आई के बाद स्पेस दिख के हमें एम लिखना है, एम के बाद स्पेस दे के हमें क्या लिखना है, बॉय लिखना है। जैसे हम लिखते समय क्या करते हैं, स्पेस देते हैं, वैसे अगर हम कंप्यूटर में कुछ लिख रहे हैं और हमें लिखते समय स्पेस छोड़नी है, तो हम क्या करते हैं, ये वाली जो हमारी स्पेस बार बटन होती है उसको हम दबाते हैं, एंड दिस इज़ द लॉन्गेस्ट बटन ऑन द कीबोर्ड। ये हमारे कीबोर्ड की सबसे बड़ी बटन होती है, लॉन्गेस्ट बटन होती है कीबोर्ड की, सो दिस इज स्पेस बार बटन। नाउ आवर नेक्स्ट की इज द एंटर की, सो लुक एट हियर, व्हाट इज द यूज ऑफ एंटर की, एंटर कीज कम इन टू द टू शेप्स, यू विल सी बोथ काइंड्स ऑफ कीबोर्ड। देखो जो हमारी एंटर की होती है वो टू शेप्स की होती है हमारे कीबोर्ड में, एक तो ये बड़ी वाली शेप में दिखती है और एक छोटी वाली शेप में दिखते हैं एंटर की, और दोनों की का यूज सेम ही होता है, क्या होता है, सेम ही होता है। सो व्हाट इज द यूज ऑफ एंटर की, एंटर की का यूज किसके लिए होता है,
द एंटर की इज प्रेस टू मूव टू द नेक्स्ट लाइन. अगर हमें नेक्स्ट लाइन में जाना है तो हम क्या करते हैं, एंटर की को दबाते हैं. नाउ लुक एट हियर, यहाँ पे देखो एंटर की कम, कम के बाद हमें यहाँ नेक्स्ट लाइन में आया है इन द शेप्स. तो ये जो नेक्स्ट लाइन में आए हैं तो वो क्या करते हैं, एंटर की दबा के हम नेक्स्ट लाइन में लिख सकते हैं. जैसे हम नोटबुक में हमारे ऐसे क्या होती है, लाइंस होती है. ये लाइन ख़त्म होने के बाद हम नेक्स्ट लाइन में आते हैं, क्या करते हैं, वन लाइन ख़त्म होने के बाद हम नेक्स्ट लाइन से लिखना स्टार्ट करते हैं. सो वैसे अगर हमें फर्स्ट लाइन ख़त्म हो गए, हम कंप्यूटर में कुछ लिख रहे हैं, फर्स्ट लाइन ख़त्म हो रही है, अगर हमें नेक्स्ट लाइन में जाना है तो हम क्या करते हैं, एंटर की का यूज़ करते हैं. व्हाट इज़ द यूज ऑफ एंटर की, एंटर की इज यूज फॉर मूव टू द नेक्स्ट लाइन. व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ एंटर की, ई एन टी ई आर, एंटर के ई वाई की, एंटर की. नाउ लुक एट हियर, आपको दिखाऊंगी. देखो यहाँ पे एंटर की है, एंटर की हमारे कीबोर्ड में टू प्लेस पे होती है. एक तो यहाँ पे है जहाँ अल्फ़ाबेट की है उसके पास में है, और एक दूसरा जो न्यूमेरिक कीपैड है जहाँ पे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 up to 9 तक नंबर लिखा है, जो हमारी ये न्यूमेरिक कीपैड है उसमें है, और एक एंटर की. तो हमारे जो एंटर की होती है वो हमारे कीबोर्ड में टू प्लेस पे होती है. कितने प्लेस पे होती है, टू प्लेस पे होती है, और दोनों एंटर की का काम सेम ही है. हम इसको भी दबा सकते हैं, इसको भी दबा सकते हैं, ठीक है. नाउ देखो हमने यहाँ पे इंसर्ट तक क्लिक दिया था, ठीक है. अभी मुझे नेक्स्ट लाइन में जाना है, यहाँ से हमें नेक्स्ट लाइन पे यहाँ एरो लाना है. तो हम क्या करेंगे, जो हमारी एंटर वाली की है, कौन सी की है, एंटर वाली की है. देखो मैं दबाऊंगी एंटर की, जैसे मैंने एंटर की को दबा दिया तो हमारा एरो नेक्स्ट लाइन पे आ गया. देखो फिर से मैंने लिख दिया है द स्पेस बार. देखो मैंने फिर से स्पेस बार लिख दिया है, तो हमारा एरो यहाँ पे. अभी मुझे फिर से नीचे जाना है तो मैं क्या करूँगी, देखो एंटर की दबाऊंगी, नीचे आ गए. फिर उसके बाद फिर से लिखूंगी द एंटर की. देखो तो हमारा एंटर की यूज करके हम क्या कर सकते हैं, हमारा जो एरो है उसको हम नीचे ला सकते हैं. फिर से दबाऊंगी तो देखो हमारा एरो नीचे आ जाएगा. अगर हमें नेक्स्ट लाइन में लिखना है तो हम क्या करते हैं, एंटर की को हम दबा के हम क्या करते हैं, नेक्स्ट लाइन में एंटर करते हैं. जैसे हम नोटबुक में लिखते समय क्या करते हैं, वन लाइन ख़त्म होने के बाद नेक्स्ट लाइन से लिखते हैं, वैसे अगर कंप्यूटर में जब हम लिखते हैं वन लाइन से नेक्स्ट लाइन पे मूव करना है तो हम कौन सी बटन दबाते हैं, एंटर की को दबाते हैं. ओके नाउ नेक्स्ट कीज इज द बैक स्पेस की, दैट वी विल बी सी इन आवर नेक्स्ट पीरियड. सो आई होप ऑल ऑफ यू नाइसली अंडरस्टूड अवर टूडेज टॉपिक. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.